सो हे व्हाट्सअप गेमर गैंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। और इतने दिन तक मैं कहा था उसका एक्सक्यूज मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा। फिलहाल यहाँ पर सोलो वर्सेस डुओ का मैच है और मैं उतर रखा हूँ आइस आइलैंड पे। उतरते ही तो गन मिल गई थी, एक बंदे को यहाँ पे ढेर कर दिया और एक और भाई साहब चुपचाप निकल लेते हैं पतली गली से। अब क्या है ना, उस भाई साहब को मिला नहीं था कुछ भी गन वन के नाम पर, ठीक है, तो वो तो निकल गया चुपचाप। बट कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, भले ही लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखो एक और डो उतर रखा है, तो इस साइड आते मेरे को फुटस्टेप आने लग जाते हैं। जल्दी से मैं जितना भी लूट हो सकता है लूटता हूँ और फिर चलो भैया बंदों के पास रश कर दें। तो ये भाई साहब तो यहाँ पे निकलते हैं फॉर ऑफ के बहुत बड़े वाले फैन। अब बस देखना ये था कि इसका टीममेट किसका फैन है। अब मुझे नहीं पता ये एट हंटर राज कौन है भाई, मैं नहीं जानता इसको। मैंने सोचा था गेम एक्स फिर बेम एक्स प्रो का नाम आएगा बट ऐसा नहीं हो पाता। अब तुमको याद होगा पहला वाला बंदा जो कि भागा था पतली गली से। तो भाई थर्ड पार्टी की कोशिश में बहुत सही तरीके से आए थे और बहुत एग्जैक्ट एंट्री भी मारी थी। बट क्या है ना, हम थोड़े से अच्छे प्लेयर हैं, खुद को कह सकते हैं हम प्रो, तुम लोग तो नूब बोलते हो मेरे को। तो यहाँ पर सीन यही है। अब देखो आइस आइलैंड पे बस दो ही डो उतरा था, इन दोनों को निपटा दिया। अब बारी है अपनी बहानेबाजी की कि मैं इतने दिन कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, क्यों था, किस लिए था, जो भी था, बट वीडियो नहीं डाली। तो देखो बात ऐसी थी, मैं दीपावली पे गया घर, ठीक है, दीपावली पे घर गया, दीपावली मनाई हमने, वीडियोस वगैरह डाले उसमें। और उसके बाद जो है सडनली जो मेरी सिस्टर है उसकी सगाई वगैरह फिक्स हो गई थी, तो फिर वेट करना। अब मैं वापस 200 किलोमीटर आके 200 किलोमीटर वापस तो नहीं जा सकता, तो वेट किया हमने एक हफ्ता। और फिर उसके बाद अब घर में भाई इकलौते हम हैं तो हमको काम वाम तो करना पड़ेगा ही, तो घर का सारा काम वाम निपटाया और सिस्टर की सगाई वगाई हुई, उसके बाद जाके मेरे को फ्री टाइम मिला, तब मैं वापस से रायपुर आया। और सुनने में आया था कई लोग बोल रहे हैं भाई यूट्यूब छोड़ दिया, बावले हो क्या यार, बावले तुम लोग, इतने ज़्यादा अपनी फैमिली है गेमर गैंग, ऐसे कैसे यूट्यूब छोड़ के चले जाएंगे भाई, ये सब मत सोचो तुम लोग, ठीक है ना, अपन यूट्यूब पे हैं और रहेंगे हमेशा। तो बस यही है, बाकी बहुत लोगों को खुशी भी हुई होगी कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया और उनकी खुशी मैंने रियून कर दी। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, उनको मरने दो अपने हालत पे। फिलहाल यहाँ से निकलने की बारी है क्योंकि यहाँ पर बस नहीं माल पानी था और मैंने भी एक्सक्यूज़ दे रखा है। तो मैं जो है सेंट्रल रोड की तरफ से बस गुजर ही रहा था भैया, अपने रास्ते जा रहा था मैं बगन होके, बट यहाँ पर मेरे को आते हैं फायर शॉट्स के साउंड। और इधर आते ही ना एक तो फोकट का किल मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो लपेट ही लेते हैं। और यहाँ पे तो एक का डबल वाली बात होगी, मतलब मैं फोकट किल के चक्कर पे आया था और दो बंदे फालतू में मिल गए यहाँ पर मेरे को, मत फालतू में नहीं भाई, किल पॉइंट्स बढ़ रहे हैं बहुत सही है, कोई भी चीज़ फालतू में नहीं मिलती, इनसे फाइट करनी पड़ी मेरे को यहाँ पर। या इजीली यहाँ पर तीन किल मिल गए, हम तो एक की तलाश में आए थे और एक तो ऐसे ही इन लोगों का चुरा ले भाई, इनको बहुत बुरा लगा सही बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैंने इनका किल ले लिया, ऊपर से दो किल और इनके ले लिए, मतलब इनकी ज़िंदगी झंड। अब देखो यार मैं यहाँ से निकल रहा था पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी पे अपने था फ्यूल कम, तो मैंने सोचा यार अपने मेरी लाडो खड़ी है यहाँ पर, गाड़ी उठाता हूँ और जैसे मैं गाड़ी पे बैठता हूँ और यहाँ पर लिटरली स्वाद आ गया, एकदम नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ गया भाई, क्या ही एचपी पे बचाऊँ मैं, अगर पिट जाता ना तो मेरा मज़ा सारा ख़त्म हो जाता, लेकिन बच गए ना, ये मेरे को बहुत ही सही लगा। अब मैं वापस से गाड़ी मोड़ता हूँ और चलते हैं भैया अपना बदला लेने इन लोगों से। अब मैंने सोचा था इसको गाड़ी से ही नॉकआउट डाल देता हूँ, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, बच गया, बहुत सही है, फाइट देखने को मिलेगी तुम लोगों को, एंजॉय करो बे, लाइक करो वीडियो को। अब देखो यार जिन लोगों ने मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया जाकर कर लो, क्योंकि जो तुमको गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पर तुमको 3 घंटे का ये गेम प्ले ताबड़तोड़ देखने को मिलने वाला है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से फॉलो कर लेना। फिलहाल तो सामने वाला खोपड़ी दिखा रहा है अपनी, भैया तुम्हारे सामने जॉट प्लेयर है और तुम इस जॉट प्लेयर के सामने बॉट प्लेयर को मारने में लगे हो, ये तो गलत बात है। अब इसका टीममेट भी देखो नेक्स्ट लेवल का गंजेड़ी। और ये लोग जिस लेवल पे यहाँ पर फिनिश हुए ना भाई, मेरे को नहीं लगता मेरा बदला पूरा हुआ है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी चेंज करने के लिए गाड़ी बदली थी, मतलब अपनी सस्ती लैम्बर्गनी से, जब मैं अपनी मेरी लाडो पे बैठा था, तब इन्होंने मेरे को जो लेवल का स्प्रे मारा था, जो लेवल की मेरी एचपी ख़त्म करी थी, मेरे को उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। बट कोई बात नहीं,
आगे और बंदे निपटाकर पूरा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल तो इनकी पेटी लूटता हूँ, पेटियों से जितना भी माल पैसे जरूरत है नहीं मेरे को, जो भी चीज़ थी उठा लेते हैं और गाड़ी उठाकर सीधा चल लेते हैं ओल्ड बाइसिन प्रमोटरी की तरफ, क्योंकि भैया जोन पूरा शिफ्ट हो चुका था। अब यहाँ पर जो सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ था वही सीन इस लौंडे के साथ क्रिएट होने वाला है। देखो मैं भी अपनी सस्ती लैम्बोर्गिनी से मेरी लाडो पे बैठा था शिफ्ट होने के लिए, ये लौंडा भी वही करता है। बस फर्क इतना है कि उन लौंडों को स्प्रे में दम नहीं था और अपना जॉड लेवल स्प्रे। अब इसका टीम मेट आता है, देखो कतई हैवी ड्राइवर बन के। चलो कोई ना, दोनों के दोनों फिनिश, हैवी ड्राइवर भी फिनिश और इसका लौंडा भी फिनिश, जो भी था गिली सुर मेरे को लगा यार आरपीजी आरपीजी। अब देखो दारू वाला आने वाला है एक। कुछ लोग होते हैं अपने जैसे गेम प्ले के हिसाब से नाम कुछ नेक्स्ट लेवल लगते हैं, इस लौंडे ने बिल्कुल सही नाम रखा अपने हिसाब से, मतलब नाम भी इसने दारू वाला रखा है और हरकत भी सेम कर रहा था, क्योंकि भाई गाड़ी पे बैठ के शॉटगन कौन मारता है, नहीं मतलब कुछ मिला नहीं तुमको पूरे मैप में भाई। नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल दारू वाला आदमी। अब यहाँ पर मैं अपनी मेरी लाडो वापस से उठाता हूँ और तुमको बंदे दिखे हों या ना दिखे हों, लेकिन मुझे ट्रिपल स्टोरी पे बंदे स्पॉट हो चुके हैं और कतई नेक्स्ट लेवल के लौंडे हैं वो लोग। वो कैसे तुम खुद थोड़ी देर में देखने ही वाले हो कि कितने खतरनाक हैं वो लोग, क्योंकि भाई दरअसल उनके एक बंदे के हाथ में है आरपीजी और आरपीजी वाले होते ही जन्म सिद्ध खतरनाक लौंडे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मेरे को एक बंदा पता था कि उसके पीछे जाकर छुपा है, जिसको मैंने डैमेज दिया तो एक नेट कुक करके फेंक ही देते हैं ना, क्या जाता है। एनिमी काजल वाईटी तो नॉक हो गई और यहाँ पर क्या जॉर्ड लेवल का बचाऊँ मैं, लिटरली क्या जॉर्ड लेवल का बचाऊँ, अगर मैं वहाँ से ना हटता ना पक्का पेटी थी मेरी। अब फिलहाल एक और नेड की बारी है। हाँ तो ये नेड कुछ इतना अच्छा खासा काम आता नहीं है और इन लोगों से फेस टू फेस फाइट लेने की भाई मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं, मतलब हिम्मत तो है लेकिन अगर इसके सामने के पास भी अगर आरपीजी के अलावा कोई और गन हो तो ठीक है, अगर एस12 के हो तो एक बार सोचा जाए, लेकिन भैया आरपीजी है यार। हैं ब्रो आमने सामने की फाइट करो ना यार, लेवल लेवल की फाइट करो, क्या करते हो ये, मतलब आरपीजी हम M4 वाले भाई ऐसे थोड़ी ना चलता यार। एनिमी डाउन। नहीं ठीक है आलोक भैया आप भाग लो, आप आरपीजी लेकर भी भाग ही रहे हो जिंदगी में, मतलब क्या कर लो यार, क्या कर ली क्या लिया आपने आरपीजी लेकर, इससे अच्छा भैया M4 से फाइट कर लेते। तो फाइनली यहाँ पर एक बॉट बचा था तो इस बॉट को भी निपटा दिया मैंने और अब निकलते हैं यहाँ से कहीं और, दो ही बंदे बच रहे हैं लास्ट के और आलोक भाई साहब के लिए अभी तक दिल से दर्द हो रहा है क्योंकि भैया आरपीजी लेके भाग रहे हैं, मतलब क्या बोले यार नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स हैं। वैसे आरपीजी और एस12 के वाले होते ही नेक्स्ट लेवल प्लेयर। फिलहाल तो यहाँ पर बस सेलिब्रेट वेलिब्रेट कर लिया मैंने क्योंकि ज़रूरत तो नहीं थी, बट फिर भी फोकट का मिल रहा है, फोकट का सामान लेने में कुछ नहीं जाता है। गाड़ी उठाते हैं, सॉरी मेरी लाडो उठाते हैं, निकलते हैं। अब इधर ना मेरे साथ एक जादू होने वाला है, मिरेकल, हाँ मिरेकल अंग्रेजो, बस वही होने वाला है। देखो तुम, मैं यहाँ पर इसकी पेटी लूटने के लिए उतरा था, हैं क्या इन NDP भाई साहब को पता था कि मैं यहाँ पर पेटली लूटने आऊँगा ही आऊँगा, इसीलिए यहाँ पर छुप के बैठे हुए कब से, भाई आउट ऑफ द जोन है और आउट ऑफ द जोन यहाँ पर बैठ के कैंपिंग कर रहे थे मेरे लिए ही। खैर कुछ नहीं कह सकता मैं, जो भी था वो अचानक से दिख गया मेरे को और फिर अचानक से उसकी पेटी बन गई। भैया पीक करके निकल रहे थे, इतनी देर उन्होंने पीक करने में लगा दिया, उतनी देर में पेटी बना के आदमी चला भी जाए और ड्रॉप लूट भी ले, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिलहाल लास्ट का जो बंदा बच रहा ना वो बॉट होने वाला है, तो बॉट से थोड़े बहुत मज़े लेंगे उसके बाद चिकन डिनर करेंगे। और ये जो गाड़ी मैंने अभी देखी मेरे को लगा कोई और होगा लेकिन नहीं, वहाँ पर बॉट होता है, चलते हैं बॉट भैया के पास क्योंकि इतने सारे बंदे निपटा दिए तो एक आधा बॉट के साथ भी मज़े ले ही लिए जाएं।
एनिमी। तो यार फाइनली मिल चुका है चिकन डिनर। और हाँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा नूबड़ो, ठीक है, यूट्यूब पे हूँ मैं हमेशा, कोई ऐसे अफवाह मत फैला देना। वो तो बस जोकर को मैंने ऐसे ही भावनाओं से व्यक्त कर दिया था, तो बस समझ लो, ठीक है। मैं भी तो नेक्स्ट तगड़े से गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।